नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर्या। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्कशीट फॉर क्लास 9th अंडर रिसर्च मैथमेटिक्स फॉर द डेट ऑफ 18th अगस्त 2023। टुडे आवर टॉपिक इज लाइंस एंड एंगल लीनियर पेयर एक्सियम्स, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर बुक्स। लेट अस प्रैक्टिस सम क्वेश्चन ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम्स। अब here we have given in the figure prove that AOC is a line. AOC line कब होगा, जब क्या कहता है आप linear pair equation axioms क्या कहता है, जब दो angle का सम 180 degree हो जाए तो linear pair होता। और इसका ठीक उल्टा क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम्स, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स, दैट मीन्स दिस इज कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन, तो उसी का यहाँ पे यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इन गिवन फिगर, शुरू करें इन गिवन फिगर से। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इजकल टू 180 डिग्री, अभी दिया नहीं है, अभी आपको बनाना है। इसका वैल्यू दिया है 150 डिग्री, तो लिखे 150 डिग्री। प्लस इसका वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। दैट मीन्स जो कॉमन आर्म है उसको छोड़ करके ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन या लाइन, कैसे हुआ, अपोजिट ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम्स। इससे हुआ, अब ये लिखेंगे जो कि क्यों हुआ। अब आइए और भी सवाल दिए गए हैं, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन एडजॉइनिंग फिगर। तो यहाँ पे आपने देखा था टू एडजेसेंट की बात की गई थी, तो टू एडजेसेंट में आप जरूरी देखिए इसमें लिख सकते हैं इन गिवन फिगर पी ओ आर, एक पी ओ आर है और एक इसको ले सकते, इसके दो पार्ट हैं वो, क्योंकि अभी आपने एडजेसेंट टू एडजेसेंट एंगल का देखा था, तो हम इस दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर ओ क्यू इजकल टू 180 हो गया, किससे हो गया, लीनियर पेयर एग्जाम से। अब यहाँ पे देखिए पी ओ आर और आर आर ओ, पी ओ आर तो ऐसे ही है और आर ओ क्यू में दो एंगल है, आर ओ एस यानी ये एंगल और ये एंगल, तो आर ओ एस प्लस क्यू ओ एस या एस ओ क्यू, इस तरह से हम देखते हैं दो से अधिक भी सब मिलकर के 180 हो सकता है। तो ये स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, तो यानी यहाँ पे वैल्यू डालिए, ये हो गया 90 प्लस ये x और ये प्लस 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो x प्लस 130 डिग्री हो जाएगा, इस दोनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू इधर आ करके 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री हो जाएगा, तो ये 50 डिग्री हो गया x की वैल्यू, x बराबर 50 डिग्री आंसर। इसी तरह आपके पास जो सवाल आए हैं उसमें कह रहा है इसकी वैल्यू y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो उसी तरह आप लिख सकते हैं इन गिवन फिगर
30 डिग्री प्लस वाई प्लस 50 डिग्री, चाहे तो आप इसका नाम भी दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस ये दोनों को पहले जोड़ ले तो 80 डिग्री, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस तरह से y की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर में 100 डिग्री। तो y बराबर में 100 डिग्री। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।